Yeah, I don't see. I think social media is a very powerful medium, and especially for me, because I'm an animal lover. So to protect animals, I think it's a great medium. My problem is, I don't know how to use social media. I'm not good at it. So when someone's not really good at it, then I don't know why I need to be there. I mean, I remember you telling me that when we were having this discussion about Instagram and social media, he was like, I'm really, not very good at it. He's like, Jackie, just help me with one thing. So I thought, okay, maybe he'll ask me to help him, how to make a reel or what to post. And he's like, just make sure you repost the stuff that I post about animals if they need help, if they need anything, which is actually so amazing. He's using it for the better good. So, yeah. John, aapse sawal hai. Aapki ek image ban gayi hai, mature producer aur ek suljha hua actor. कभी सेट पर ऐसा होता है कि इस एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में किसी डिसीजन को लेने के लिए के बीच में वो जो केओस मचता है दिमाग में, जीत किसकी होती है आखिर? आई थिंक हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है. इट्स हमेशा बिकॉज आई थिंक द नंबर वन हीरो ऑफ द फिल्म, जो मेन हीरो होता है, वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद डायरेक्टर और उसके बाद एक्टर. तो अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने कहा, इट्स अबाउट बिजनेस, तो बजट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एज एन एक्टर, अगर मुझे चार गाड़ियाँ को उड़ाना हो, आई से नो, दिस एक्शन सीक्वेंस रिक्वायर्स, फिर मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर आएंगे योगी मीनाक्षी के, नहीं जॉन, यू गॉट मैड, वी डोंट हैव द बजट्स फॉर दैट, वी गॉट कंट्रोल. फिर मैं जाके लक्ष्य से बोलता हूँ, लक्ष्य अपने को कंट्रोल करना अभी कैसे करें. सो देन वी डिवाइस अ प्लान. तो हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है, बट राइटफुली सो. जॉन, आपकी फैन फॉलोइंग भी आपके एक्शन की अलग ही है. क्या कभी प्रेशर होता है दिमाग में कि पिछली फिल्म से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो, एक्शन हो? देखिए, तो मेरा टेक बहुत ही अलग है इसमें. मेरे हिसाब से एक्शन विल ओनली वर्क इफ द इमोशन इज राइट. तो आप जो भी एक्शन करें, अगर आप दीवार को तोड़े, आप बैक फ्लिप्स करें, अगर आप जंप मारे यहाँ से वहाँ तक, I don't think it will work if the emotion is not right. तो emotion बहुत ज़रूरी होता है action के लिए. If the emotion is right, no, कोई भी action चलेगा. Any action will work. So emotion is very important. और action मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होता है. Action is here. The strength is here. You know, आप Sylvester Stallone को देखो, Dwayne Johnson को देखो, Vin Diesel, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, इनके बीच में क्या कॉमन चीज है आप मुझे बताओ. दीज आर बिगेस्ट एक्शन हीरोज ऑफ द वर्ल्ड. व्हाट इज द कॉमन थिंग? दे कैन नॉट डू एक्शन. इट्स देयर एटीट्यूड. वन सेज गो अहेड मेक माय डे, वन सेज दिस इज रियो, वन सेज आई विल बी बैक. तो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बॉडी से एक्शन नहीं होता है. इट्स द इमोशन.